सबसे पहले तो यही सवाल होगा सर कि कोविड 19 के हवाले से और इसकी थोड़ा बहुत आप स्टेटस बताओगे सर, और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह के इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आप कर दिन में हमें देखने को मिलेंगे सर, ओवरऑल कोविड पे थोड़ा बहुत देखते हैं। जी थैंक यू। हेलो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के केसेस बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हुए थे पिछले कुछ दिनों में, डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी और डिस्ट्रिक्ट लेह में भी। हमारे यहाँ पे दो दिन पहले की टैली 90 प्लस थी एक्टिव पॉजिटिव केसेस की, जो पिछले 6-7 महीने में हाईएस्ट एवर थी। और ओमिक्रॉन का भी एक केस आया था, अब चूंकि वो निगेटिव हो गया है, करगिल डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला था, जो बाहर से आया था बट करगिल डिस्ट्रिक्ट का ही था। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान की और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के और रैपिडली जो थर्ड वेव वाले केसेस वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दो तीन दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका में एक दिन में 1 मिलियन प्लस 10 लाख से ज़्यादा केसेस एक ही दिन में आए थे सिंगल दिन में। कल मुंबई में हाईएस्ट एवर, सेकेंड वेव में भी जितने केसेस थे उससे ज़्यादा केसेस, 15,000 प्लस एक मुंबई सिटी में केसेस आए हैं कल। और साथ ही में इंडिया की कल की टैली जो थी 90,000 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा, ये जो केसेस है वो हर दो दिन में डबल हो रहे हैं। दो दिन पहले कोई 56,000 थे, परसों कल 90,000 थे, शायद आज उससे ज़्यादा केसेस आ गए। बहुत रैपिडली फैल रहा है। करगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर कोविड सिचुएशन की बात की जाए, आज के दिन में आज हमारे कोई 60 प्लस केसेस एक्टिव पॉजिटिव है। हमारी जो रिपोर्ट आती है उसमें थोड़ा कम दिखाया, बिकॉज हमारे कोई 22 से 25 केसेस जो है वो ले वाली टैली में दिखाते, बिकॉज वहाँ पे एयरपोर्ट पर डिटेक्ट हुए थे। तो इस वजह से करगिल में कोविड के हालात बड़े नाजुक थे, इस वजह से हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े। दो तीन चीज़ें उसमें हम आगे बात भी करेंगे उस बारे में, बट कोविड की थोड़ी सिचुएशन सीरियस है। और मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि प्लीज़, जैसे आपने सेकेंड वेव में एडमिशन साथ दिया, आपने देखा होगा सेकेंड वेव में बहुत महफूज हमारा ज़िला रहा है, बहुत कम डेथ्स हुई है। हमारी टोटल सिर्फ 13 डेथ रिपोर्ट हुई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें मैक्सिमम कोमॉर्बिड वाले लोग थे और दो तीन जो है बाहर वाले लोग थे जिसमें जिनकी डेथ रिपोर्ट हुई थी। तो अगर आवाम हमारा साथ देती है इसमें तो हम ऑब्वियसली इस कोविड को, थर्ड वेव को भी पीछे रख पाएंगे और आवाम को भी, हमारे सारे बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको महफूज रख पाएंगे करगिल में। जी, तो सिमिलरली कोविड के चलते विंटर के आफत हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी जितने भी विंटर इवेंट थे कंक्लूड थे, ऑलमोस्ट पोस्टपोन या कैंसिल हो चुके थे। बट कुछ रिलीजियस, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल गैदरिंग जो है हेल्थ दस्तूर हर साल जिस तरह चलते थे, उसी तरह जैसे करगिल में चलेंगे तो आने वाले दिनों में, और कल प्रोसेशन भी है सर, अयाम खातिया में आपका कल एंडिंग है, शहादत है, खात्मा कलम बोला जाना है, तो प्रोसेशन भी निकाले जाएंगे और मजलिस भी होंगे तमाम ब्लॉक्स में, इवन की हेडक्वार्टर्स में भी होंगे, तो उन पे किसी भी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन या आप प्रोसेशन निकालने के लिए परमिशन दी जाएगी हमें। जी, आपने सही फरमाया, जो कि जो विंटर टूरिज्म का सबसे बड़ा पोटेंशियल वाला एरिया होता है, लेपर्ड साइटिंग का और चादर ट्रैक का, वो दोनों चीज़ें बैन करती गई थी बहुत पहले ऑर्डर आया था कोविड की सिचुएशन को देखते हुए। उसके बाद जो संस्कार फेस्टिवल है उसको भी हमने बैन किया है, आने वाले जितने फेस्टिवल उनको हमने बैन कर करके ऑर्डर में क्लियरली मैंशनड है। आपने रिलीजियस चीज़ों की बात की, उसमें हमने SOP के तहत 30% तक अलाउ किया था, बट कल की जो प्रोसेशन और गैदरिंग है, हमने दोनों स्कूल को, दोनों इदारों को और बाकी भी जो आउटस्कर्ट्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने क्लियरली बताया कि कोई भी प्रोसेशन अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लद्दाख डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों की गाइडलाइन है और साथ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की भी गाइडलाइंस है। और रिसेंटली आपने एक हमने ट्रस्ट को हमने ऑर्डर यहाँ से परमिशन भी दी है कॉन्ग्रीगेशन करने की, जुलूस निकालने की उसमें परमिशन नहीं है, उसमें हमने SOP भी लिखी हुई है जो कि 30% या 50% ऑफ द हॉल कैपेसिटी है। तो आवाम से यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि कोविड सिचुएशन, हम नहीं चाहते आपके कोई भी धर्म के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन आए, ये बिल्कुल नहीं चाहते। जब जब भी कोविड सिचुएशन इंप्रूव हुई, हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, पूरा खुला रखा है, बट चूँकि हमें पहले आवाम की हेल्थ को देखना है, लोगों की हेल्थ को देखना है, उनकी उनको महफूज रखना है, इसलिए हम चाहते थे कि यहाँ पे प्रोसेशन ना हो। और सिर्फ ये फर्स्ट एक बात की बात है, उसके बाद जब भी कोविड सिचुएशन इंप्रूव होगी उसके बाद हम जो नॉर्मल हालात होते हैं उसको नॉर्मल ही रखेंगे। दूसरा, हम इसमें, मैं और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, चूँकि जब कोविड केसेस बढ़ते हैं तो हमें रेस्ट्रिक्शन और ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, और विंटर में वैसे ही यहाँ पे चीज़ों की कमी होती है, बाकी सारी चीज़ें भी है। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, बिल्कुल नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि दुकानें बंद करवाएं, हम ये नहीं चाहते कि और भी ज़्यादा बाकी वाली चीज़ों पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए। तो हमें इन सारी चीज़ों से अगर बचना है तो कोविड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट आम लोग जो है उनकी ज़िंदगी आराम से चलती रहे, आराम से वो गुजर बसर कर पाए अपना। तो लास्ट क्वेश्चन होगा सर, काफ़ी हमसे भी रिक्वेस्ट की है सर, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सर, कोचिंग सेंटर्स, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि कब से कोचिंग सेंटर जो है करगिल में आप बहाल करने जा रहे हैं सर, क्योंकि
उनका ये भी कहना है सर, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, सत्य लगाव जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट काफी ले की बात करें, तमाम स्टूडेंट जो है जम्मू श्रीनगर कोचिंग के लिए जा रहा है और वहाँ कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई, सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे क्यों है सर कोचिंग सेंटर्स को आपने बैन कर दिया? जी खालिद साहब, इसमें बैन करने का हमारा पहले ये था कि बिकॉज बच्चों की वैक्सीन भी नहीं थी यहाँ पे, और हमें डर था कि जैसे सबने प्रेडिक्ट किया था पहले कि जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, इसको देखते हुए हमें बैन करना पड़ा था कोचिंग सेंटर। बट इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम इस बार गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्यूशन सेंटर चलाने वाले हैं। हमने कोई 2 करोड़ का उसमें प्रोविजन रखा था, हम हर विलेज लेवल पे जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे हम कोचिंग सेंटर चलाने वाले थे, और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है जो वहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाएंगे हमारे कोचिंग सेंटर्स में। इस वजह से हमें बैन करना पड़ा। बट इसमें मैं आपके माध्यम से सारी आवाम को बताना चाहूँगा कि हमारा जो वैक्सीनेशन है, जो 15+ वाला वैक्सीनेशन ग्रुप है, कल तक हमारा ऑलमोस्ट 30% के अराउंड हमने कवर कर लिया था जो हमारा टारगेट ग्रुप है, और आने वाले 2-3 दिनों में मुझे लगता है कि हम 50-60-70% हम इसको कवर कर पाए। 10 तारीख तक अगर हम 60-70% इसको कवर करते हैं तो हम 11 तारीख से SOP के साथ में प्रॉपर गाइडलाइंस बना के हम बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस हम अलाउ करेंगे। बट वही है कि आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी जो भी ट्यूशन सेंटर वाले हैं हमारे या फिर जो भी पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों का जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं, सो दैट हमें भी आसानी हो इसको शुरू करवाने में। और 11 तारीख से अगर हमारा वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 70% क्रॉस कर जाता है डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट ग्रुप है उसका, तो हम 11 तारीख से कोचिंग सेंटर्स अलाउ करेंगे विद SOPs और विद गाइडलाइंस। रोजला के हवाले से जो सवाल होगा सर, ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, अगर बाई बाई ऑफिशियली क्लोज अगर रोजला हो चुका है तो जी आज आपने देखा होगा डीकॉम सर के ऑर्डर के हिसाब से हमने रुजिला जो वेहिकुलर मूवमेंट के लिए हमने बंद किया है, बिकॉज बर्फबारी ठीक ठाक हुई है यहाँ पे, 2.5 फुट तक बर्फ पड़ी हुई है तो, और अभी रिस्की भी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें बंद करना पड़ा। जो N32 कुरियर सर्विस वो जल्दी शुरू कर दी जाएगी, बिकॉज हमारी ऑलरेडी सारी मीटिंग्स हो गई है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है, हमारे LOs भी जम्मू श्रीनगर और हर जगह पे हमने तैनात करके रखे हैं, यहाँ पे भी हमने जो करगिल एयरपोर्ट है वहाँ पे भी इंतजाम करके रखे हैं, तो जल्दी एयरफोर्स के साथ बात करके हम इसको जल्दी से शुरू करवाएंगे। साथ ही में इस बार सारी जो प्रोसेस है उसकी ऑनलाइन करके रखिए, तो आवाम से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको भी यूज़ कीजिए और विंटर जब भी हमारी N32 सर्विस शुरू होती है उसका फ़ायदा उठाए। स्नोफॉल के हवाले से अगर हम बात करें तो सर काफ़ी गांव अभी कनेक्टेड नहीं है, पिछले 2 दिन काफ़ी स्नोफॉल हुए, सर हमारे नज़दीकी गांव भी अभी मैंने सुना सर बंद है, कोई रेगुलर ट्रैफिक लाइट व्हीकल के लिए भी मूवमेंट नहीं हो पा रहे, तो कब तक रिस्टोर होंगे सर जी? अगर हम पानी खरपा का चित्रात या बाकी इलाकों के लिए हम बात करें, ये खालो साहब कल शाम तक कंटिन्यूसली स्नोफॉल चल रहा था इसलिए कल शाम तक हमने डिप्लॉयमेंट नहीं की थी ठीक से। आज से हमारी सारी टीम्स जो है जानस्कार हो, द्रास हो या आसपास के सारे एरियाज हो, हमारी मैकेनिकल टीम लगी हुई है, 1-2 दिन में मुझे लगता है सारे लिंक रोड्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमारा मेन फोकस सारे एरियाज को कनेक्ट करना है। बट चूंकि परसों कल शाम से फिर से वेरी हेवी स्नोफॉल दिखाया गया है, तो मुझे लगता है जैसे ही स्नोफॉल खत्म होता है वैसे ही सारे रोड हमारे 1-2 दिन में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे जी। जी मैं आवाम से बात करना चाहूँगा, बिकॉज देखिए आपको लगता होगा कि हमने विंटर ट्यूशन बंद किए हमें एजुकेशन की परवाह नहीं है, बट एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो मुझसे बेहतर शायद बहुत कम जानते होंगे। मैं भी आपकी तरह बहुत ही दूर दराज के गांव से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मेरा गांव भी कोई 150 किलोमीटर दूर है, मुझे लगता था मेरा ही सबसे दूर है बट यहाँ पे और भी दूर दूर है। बट एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट उसके साथ ही में हमें आवाम की हेल्थ, जो बुजुर्ग हैं हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं या हमारे बच्चे हैं उनके हेल्थ के बारे में भी सोचना है, दोनों चीज़ों के बारे में। एजुकेशन के बारे में हमने बहुत सोचा, आपने देखा होगा लास्ट टाइम मार्च में मैंने स्कूल शुरू किए थे, जब तक सेकेंड वेव थोड़ी बड़ी नहीं तब तक हमने स्कूल शुरू रखे, उसके बाद भी सेकेंड वेव में भी 1-2 महीने बाद जब हमारे केसेस थोड़े कम हो गए थे हमने कम्युनिटी क्लासेस चलाए, उसके बाद अगस्त से हमने बाकी क्लासेस भी रेगुलर स्कूल में चलाए थे, तो एजुकेशन को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डिस्ट्रिक्ट में। इस बार भी हम, मैंने जैसे कहा पहले भी कि हम 11 तारीख से विंटर ट्यूशन क्लासेस जो आप चाहते हैं खोलना वो हम अलाउ करेंगे विद SOPs, बट उससे पहले आप सबसे गुजारिश रहेगी, सारी आवाम से गुजारिश रहेंगी कि प्लीज़ अपने जो भी बच्चे हैं जो भी एलिजिबल है इसमें 15 साल से ऊपर वाले उन सबको वैक्सीनेट कीजिए, सो दैट हम आप भी बेफिक्र रहे, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेफिक्र रहे कि बच्चों की सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, सो दैट हम इसको प्रॉपरली चला पाए।
दूसरा, जो कल प्रोसेशन और रिलीजियस आपकी गैदरिंग है उसमें भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी चीज़ मना ये करते हो वो अपने अपने घरों पे ही करें, कल प्लीज़ हुजूम ना मनाए। कोई प्रोसेशन हमने वैसे ही प्रोसेशन अलाउ नहीं किया, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ अपने घर पर ही रहे और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज अगर हमारे केसेस बढ़ते हैं तो सारी आवाम को उसका नुकसान होगा। एक दो लोगों की वजह से सारी आवाम को हम नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाना चाहते हैं। कल हमने परमिशन दी है इन हाउस अगर अंदर अप टू 30% या 50% ऑफ द हॉल कैपेसिटी हमने उसकी परमिशन दी हुई है, अलॉन्ग विथ SOPs है, और जो भी उसमें शिरकत करेगा उन सब का रैपिड एंटीजन टेस्ट गेट पे किया जाएगा। हम अपनी मेडिकल टीम उस हिसाब से डिप्लॉय करके रखेंगे और बाकी भी मार्केट में और हर जगह नाके और सारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ प्रोसेशन वाले चीज़ों में हिस्सा ना ले और करगिल को सारी आवाम को महफूज रखने में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ दें। थैंक यू।